नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। लोकसभा चुनाव में एनडीए की बंपर जीत का ऐलान कर रहे एग्जिट पोल के नतीजों ने विपक्षी दलों की बेचैनी बढ़ा दी है। विपक्षी दल एग्जिट पोल के नतीजों के बाद सियासी गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। खासकर विपक्षी खेमे में हलचल बेहद ज्यादा हो गई। विपक्ष को एक करने में जुटे आंध्र प्रदेश के सीएम एग्जिट पोल को खारिज करते हुए अभी केंद्र में विपक्षी दलों की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो नायडू बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से मिलने वाले हैं। दूसरी तरफ एनसीपी चीफ भी विपक्षी नेताओं को साधने के लिए एक्टिव हो चुके हैं। उधर कांग्रेस में भी परिणाम के बाद की स्थिति पर चर्चा शुरू हो चुकी है। विपक्षी नेताओं की कोशिश है कि अगर करीबी स्थिति बनती है तो उसमें यूपीए समेत तीसरे मोर्चे की संभावना पर भी विचार किया जाएगा। उधर पवार क्षेत्रीय दलों के नेताओं से संपर्क साध रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर 23 मई को असल नतीजे थोड़े भी अलग होते हैं तो बीजेपी को सरकार बनाने से दूर रखने के लिए विपक्षी दल साझा सरकार बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वहीं रविवार को आए एग्जिट पोल पर कांग्रेस में भी मंथन जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर परिणाम के बाद की स्थिति पर बात कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक एनसीपी चीफ पवार ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के संपर्क में हैं। बता दें कि पटनायक ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी पहले से ही पटनायक पर सॉफ्ट रुख अपनाए हुए है। ऐसे में पवार के पटनायक से संपर्क में होने की खबरों ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। सूत्रों के मुताबिक पवार वाईएसआर नेता जगन मोहन रेड्डी के भी संपर्क में हैं। जगन और पटनायक का रुख अभी तक बीजेपी के लिए सॉफ्ट रहा है। बीजेपी ने भी चुनाव प्रचार के दौरान इन दो नेताओं के प्रति नरम ही रुख अपनाया था। इसी बीच ऐसी भी खबरें हैं कि अगर यूपीए गठबंधन नतीजों में पिछड़ती है तो तीसरे मोर्चे की कवायद को फिर शुरू किया जाए। इस स्थिति में तीसरा मोर्चा कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए गठबंधन के साथ सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है। कुछ भी हो, लेकिन धड़कनें बढ़ी हुई हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष। लेकिन एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल है, कुछ को सुकून तो कुछ को बेचैन किए हुए है। अब देखते हैं कि 23 मई को क्या रिजल्ट आता है।